What do guys really want to do on dates? Sex? What? What? And it will make you so laugh, you'll orgasm. So hey guys, we have Monish Diltani with us today. I'm super excited to have him on my channel because I've been following Monish for a really long time and hum dost bas abhi abhi bane hain. So it is an honor to have Monish on my channel. Thank you so much, Onella. लेट स्टार्ट आई जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस कि मतलब अभी ऑनेला ने कर ही दिया है तो आई एम यूट्यूब बकचोद पर्सन सो आई जस्ट डू बकचोदी इन ऑन यूट्यूब एंड मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेता हूँ No, tum bag, you don't do bakchodi, you do top-notch content. He is such a cinematic creator. Like all his videos are so cinematic and it's just orgasmic how cinematic his content is. Yes. So today what we are going to do is I'm going to be asking you questions that usually girls are afraid to ask a boys and you have to answer as a boy in perspective of you are representing the mankind right now, like the boy kind right now. Purush logo ko tum represent kar rahe ho. To chalo. नेक्स्ट से पूछो मेरे को डर बहुत लग रहा है क्योंकि अगर मैंने कुछ भी ऐसा फक अप आंसर दिया ना तो मुझे मेरे बंदे लोग आके मारेंगे सबसे पहले तो ठीक है ओके सो लेट्स स्टार्ट ओके चलो लेट्स डू दिस ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विल अ गाय बी फाइन इफ हिज करंट गर्लफ्रेंड हैज पिक्चर्स विद हर एक्स स्टिल अप ऑन हर इंस्टाग्राम On her Instagram, I'll say what kind of picture she has on her Instagram. Matlab, if it's just two of them on a picture laughing and all that, and if they are still friends, then a normal guy wouldn't have problems. Matlab, andar se thoda lagega, but once the trust develops with the girl, then the person won't have a problem. मुझे लग रहा है बट इफ द पिक्चर्स आर लाइक द गाय किसिंग द गर्ल एंड ऑल दैट और दे आर लाइक हगिंग ईच अदर एक दूसरे के बाहों में ये सब देन वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा तो या अच्छा सो लगता है वील डेफिनेटली अंडरस्टैंड वील डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाई दैट पिक्चर वाज देयर इन द फर्स्ट प्लेस बट वी वोंट गेट व्हाई दैट पिक्चर इज स्टिल देयर राइट नाउ व्हाई डू गाइस गोस्ट लाइक व्हाई डू दे गोस्ट Like, if you're not interested, why don't they just tell us? But why do they ghost us? इसका मेरे पास भी आंसर नहीं आ रहा है. I have ghosted so many people, यार. मतलब. You've ghosted people. Yeah, I have. Why? I definitely have. Why? मतलब, but once we start ghosting ना, then we don't have a way to resolve that as well. To unghost. So I have done that to a few people in life. बट वो इसीलिए इट हैज़ अ रीज़न बिहाइंड इट एंड आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट दैट पर्सन बाय टेलिंग दैट रीज़न तो आई जस्ट प्रिटेंड टू बी बिजी व्हाट डू गाइज रियली वॉन्ट टू डू ऑन डेट्स सेक्स व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज क्लियर कट गाय वॉन्ट्स टू हैव सेक्स ऑन अ डेट नॉर्मल गाय दैट्स ऑल ऑफ योर माइंड All on your mind, like guys, just think about sex. Not really. Also, it depends on the guy as well, and what kind of phase they are in their life. If they are getting a lot of sex, then obviously they don't think about sex that much. But if they are not getting, tusa bhi sex, and wait, then obviously that is in their back of the mind. But wait, when you go on a date. सेक्स का थॉट है ही है दिमाग में हाँ दिमाग में बैक ऑफ द माइंड हमेशा सेक्स का पार्ट होता है भले वी आर ऑन अ डेट और वी आर एट आर होम इन बिटवीन फैमिली के बीच में खाना खा रहे सेक्स ऑलवेज इज इन द बैकग्राउंड हाँ तो वो सीन है बंदों के लिए ओपन बट व्हाट डू यू ऑल एक्सपेक्ट व्हाट डू यू ऑल वांट फ्रॉम अ डेट लाइक क्या चाहते हो सिर्फ सेक्स और कुछ नहीं 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 ऐसा नहीं है मेरे को सब मारेंगे यार इसके बाद सब बंदे उठा के मारेंगे ठीक है हाँ तो सेक्स इज अ मेजर पार्ट ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डेट ठीक है बट वी ऑल्सो एक्सपेक्ट समवन हु कैन गिव रेगुलर सेक्स हे भगवान समझे वन टाइम नहीं बिकॉज ऑफ दैट रेगुलर वाला थिंग वी माइट नॉट हैव सेक्स ऑन द फर्स्ट डेट ऐसा सीन है
कुछ बंदों में होता है वो मतलब होल्डिंग हैंड सीइंग द सनसेट एंड ऑल दैट स्टफ लाइक आई पर्सनली लाइक दैट स्टफ बट सब बंदे वैसे नहीं होते हैं आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज यू कैन सी द सनसेट जनरली लाइक इन एवरीवेयर मतलब इफ यू लिव इन गोवा तो यू कैन सी द सनसेट एनी टाइम यू वॉन्ट टू बट वही है यार वेन यू आर इन द सिटी यू डू आर नॉट एक्सपीरियंस इन दैट स्टफ एज मच बींग अ गाय एंड सो यू आर सेइंग सिटी बॉयज थिंक अबाउट सेक्स या आई थिंक सो मतलब क्योंकि सनसेट का है नहीं ना यार ज्यादा मतलब क्या मतलब इतना होल्डिंग हैंड सो इट हैज टू बी ओनली सनसेट देखो नहीं बंदों को पसंद है रोमांटिक नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है आई एम नॉट गोइंग बैक आई एम जस्ट सेइंग सेक्स इज अ पार्ट ऑफ इट लाइक हाउ गर्ल्स टॉक टू देयर गर्लफ्रेंड्स अबाउट देयर क्रश या फिर हाउ वी गेट ऑल एक्साइटेड एंड वी आर लाइक आई रियली लाइक दिस गाय हीज लाइक सो क्यूट एंड हीज लाइक सो हॉट एंड लाइक लुक एट हिम डू गाइस डू दैट या गाइस डू दैट ऑल द टाइम यार विद देयर गाय फ्रेंड्स ऑल द टाइम दे डू दैट यार दे विल जस्ट सेंड पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम लाइक उनका पोस्ट शेयर करते हैं मतलब व्हेन गर्ल्स सी देयर पोस्ट गेटिंग शेयर्ड ना मोस्ट ऑफ इट आर गाइस शेयरिंग इट टू अदर गाइस कि भाई मुझे ये बंदी बहुत पसंद है बस व्हाट इज द होल ऑब्सेशन विद बूब्स आई हैव नो आईडिया यार it just like gets why, into why the do guys either have to be a boob guy or an ass guy like why can't they just be like बता रहा हूँ दोनों पसंद है लाइक देर मस्ट बी लाइक समथिंग दैट वो ये चीज ना ये क्वेश्चन का आंसर है अपने हॉर्मोन्स ठीक है इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन हॉर्मोन्स मतलब अभी मैं क्या करूं मतलब मैं सिंपल वर्ड में बोल रहा हूं मेरे को अगर कोई चीज देख के अट्रैक्ट हो रहा है खुद ब खुद दिमाग में तो मैं उसको स्टॉप थोड़ी कर सकता हूं गेटिंग माय पॉइंट तो वो हॉर्मोन्स है बस इट इज जस्ट हॉर्मोन्स एंड इट डिपेंड्स ऑन सब गाइस का अलग अलग जो प्रेफरेंसेस है हॉर्मोन्स का एंड ऑल दैट शिट डू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम विद अ स्मॉल बूब साइज व्हाई आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम I never cared about the boob size. मैं बता रहा हूँ. Okay, but guys in general. There are some guys. I know some friends who like bigger size. I would say, but I never cared about it. Because. So base again, yeah, it is individual. I'm more of a. As. नहीं, I'm more of a whole this thing guy. मतलब पूरा scene क्या है? वैसा कुछ हाँ. What are मेरे एक फ्रेंड ने बताया आई वुड मेक एनीवन अनोनिमस ठीक है मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि उसके फ्रेंड ने जब सेक्स किया था हाँ तो ही वॉज हैविंग सेक्स विथ अ गर्ल हाँ एंड सेक्स करते वक्त द गर्ल फार्टेड एंड इट वॉज अ बिग टर्न ऑफ एंड फार्टेड के बाद कुछ और भी हुआ वॉट इज फॉलोड बाई अ फार्ट यू नो हाँ तो वो हुआ एंड आफ्टर लिसनिंग टू स्टोरीज लाइक दिस दैट वुड बी अ बिग टर्न ऑफ फॉर अ गाय आई वुड से यू नो व्हेन आई सेड टर्न ऑफ आई मेंट लाइक यू नो व्हेन शी प्रोबेबली वेयर्स हाई हील्स और लाइक समथिंग लाइक दैट मटेरियलिस्टिक अच्छा समथिंग वेरी जनरल Like when I say turn-ons, I would say a guy's voice is a big turn-on. Okay,
if he has like a sexy voice, I think guy ka voice acha okay like a sexy, got it like a very like a deep voice. That means I have to have a sexy voice in the remaining of this video. Chalo, I'll talk in a sexy voice on it. So, forever life. I said that because वैसे type का answers दो यार. You are going to like role play and all. मेरी mummy daddy videos देखते हैं मेरा थोड़ा PG-13. ठीक है. तो a guy according to you, a guy's voice. Yeah. Turns them on. Yeah. So I would say when a girl flirts with them. Okay, when the girl makes the first move. When she flirts. Yeah, makes the first move. That's a big turn on. Are you trying to speak in your sexy voice right now? Yeah, I'm trying to speak in a very, very, मतलब मेरे हिसाब से जो sexy voice होता है एकदम husky वाला voice नहीं होता है जो musicians बात करते हैं. मैं उस वॉइस में बात करूंगा आपसे लाइफ में. ठीक है. और अपने दोस्तों के साथ मैं इस वॉइस में बात करूंगा कि यार टर्न ऑन का जो सीन है मैं बताता हूँ. सिंपल सिंपल सीन ये है कि गर्ल का आई का लुक जो है, जो बंदी लुक देती है, दैट कुड बी अ मेजर टर्न ऑन. लाइक व्हेन अ बंदी जस्ट स्टेयर्स इनटू योर आईज. हाँ, मतलब जो जो मस्ती वाला स्टेयर नहीं होता है. अच्छा. हाँ. ओके. हाउ लॉन्ग ये ऑल माय फ्रिकिंग गर्लफ्रेंड्स नो ऑल दिस गर्ल्स ऑन इंस्टाग्राम में मुझे सिर्फ सेक्स रिलेटेड क्वेश्चन दिए बस. लाइक उन्होंने प्लान कर रहा है कि मेरा चैनल PG-13 तो रहने नहीं देने वाले. वही तो. और बंदियां बोलती है कि बंदे लोग हमेशा सेक्स के बारे में बात करते हैं. नहीं है ऐसा. नहीं है. How long do boys think that you should date before having sex? According to the guys, we think यार शादी के बाद करोगे ना अगर सेक्स, वो ही अच्छा होता है. शादी के बाद ही होना चाहिए सेक्स. इधर शादी के बाद और इन द फर्स्ट टू मिनट्स ऑफ मीटिंग. When I go for a date, it's like I'm going in with a whole new mindset now. I have changed everything I knew about a date. You have changed everything I knew about what a date. ओनेला का जिस भी बंदी ने वीडियो देखा उसका बॉयफ्रेंड मेरे घर पे आके मुझे मारेगा. Fuck. I think this was very like this actually answered the questions. This gave a lot of information. This actually helped clarify a lot of questions that we have. So I really want to thank you for being like honest and genuine. Anytime. And like just spitting out whatever you had. ठीक है. क्या ठीक है? Okay. नहीं यार, बस मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मतलब वीडियो जब अपलोड हो जाएगा. Okay guys, that was it. That was my collaboration. I'm so glad we collaborated. I am too. हाँ नहीं, बहुत अच्छा है. नहीं, हमारा रहेगा, collaboration आएगा, and it will be super relatable. What you haven't even thought in your life. Yes. वो आएगा. तो बैठे रहो. Wait कर. दिल थाम के बैठो. दिल थाम के बैठो. You won't get sex, but you would get videos of Monish and Onela. That is equally as good. In lockdown. That is equally as good. Equally as good. Or equally as good. As good as having sex. रहेंगे वो videos and it will make you so laugh you'll orgasm. तो हाँ. खत्म. बस. Guys, that was it. Do let me know in the comments down below if you'll enjoy this video and if you want to see more of Monish and me. Because there are a lot of creative ideas that we share and I think we are going to come up with new videos really soon. Guys, bye, and we'll see you soon in another video.